अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। तो दोस्तों आज आपकी हो चुकी है 28 सितंबर 2019 की बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे क्या 40-45 की जीत पक्की है। जी हां दोस्तों, अभी दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क मामले में आज की सुनवाई है दोस्तों, जो आपकी 27 सितंबर को सुनवाई हुई थी, उसमें टीम रिजवान अंसारी की कलम से दोस्तों देखते हैं क्या अपडेट्स हैं। और दोस्तों अगर 40-45 जीतेगा तो क्या होगा सेफ जोन, दोस्तों इसको भी आपको समझना पड़ेगा इस वीडियो में। अगर आपके 90 से कम नंबर है तो कैसे मिलेगी नौकरी, 90 और 96, ठीक है दोस्तों। आप बात करें 90 और 97 से, अगर दोस्तों आपके कम नंबर है, या कहने का मतलब साफ साफ दोस्तों आपके अगर 89 या 96 नंबर तक आ रहे हैं तो आप कैसे नौकरी पा सकते हैं, इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले टीम रिजवान अंसारी की अपडेट देखते हैं, जो बच्चे 40-45 के समर्थक हैं उनके लिए खास है। आज कोर्ट नंबर 1 में लंच के बाद केस की हीरिंग हुई, ठीक है दोस्तों। विपक्षी पार्टी की तरफ से मोस्ट सीनियर एडवोकेट एस के कालिया जी ने अपना सबमिशन और आर्गुमेंट स्टार्ट किया। उनका पूरा आर्गुमेंट एजी की दलीलों के समांतर रहा। दोनों भर्ती परीक्षाओं की तुलना टेट अर्हता के पासिंग मार्क अंक आदि मुद्दे पर रहा, लेकिन कोर्ट इन बातों से कतई संतुष्ट नहीं हुई। माननीय जस्टिस इरशाद अली ने कालिया जी से पूछा कि क्या 7 जनवरी का आदेश सही है। देखिए दोस्तों, ये जस्टिस साहब ने कालिया जी से एक बड़ा प्रश्न पूछ लिया कि जो आपका 7 तारीख का आदेश है क्या वो सही है, यदि सही है तो किस नियम के तहत सही है। इसका जवाब कालिया जी के पास नहीं था। इसके बाद मोस्ट सीनियर एडवोकेट श्री जे एन माथुर का आर्गुमेंट स्टार्ट हुआ। माथुर साहब ने कोर्ट को 68,500 एवं 69,000 की लिखित परीक्षाओं के प्रश्न पत्र निर्धारित समय की वजह से पासिंग मार्क में विभिन्नता की बात स्पष्ट करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोर्ट फिर से वही प्रश्न दागना की 7 जनवरी का आदेश किस आधार पर सही माना जाए ये बताइए, ठीक है दोस्तों। देखिए इसीलिए 60, 65 और 40, 45 में 40, 45 का पक्ष मजबूत हो रहा है कि जो 7 जनवरी का आदेश आया था, 7वां आदेश आपको पता होगा 60 और 65 को लेकर, वो किस आधार पर सही माना जाए आप बस ये बताइए कोर्ट को, ऐसा जज साहब ने पूछा। सिद्ध करता है कि माथुर साहब की अभी तक दलीलें उस अवैध पत्र को वैध नहीं कर सकी। जी हाँ दोस्तों, जो भी वो दलीलें दे रहे हैं वो कितनी भी जायज हो दोस्तों, लेकिन वो जब तक वो इस पॉइंट को नहीं प्रूव कर पाएंगे कि जो 7 जनवरी का आदेश है वो किस आधार पर सही है, तब तक उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन दोस्तों बार बार कोर्ट का 7 जनवरी के उस अवैध पत्र पर कमेंट करने से यह सिद्ध होता है कि कोर्ट को अभी तक विपक्षी सही सरकार सेटल्ड लॉ के मुताबिक वो जवाब नहीं दे पाए जो कोर्ट सुनना और देखना चाहती है। कोर्ट का समय समाप्त हो चुका था, अगली सुनवाई की डेट 201 अक्टूबर 2019 तय की जा चुकी है, ठीक है दोस्तों। स्थितियां सकारात्मक है लेकिन हमें अभी अति उत्साहित नहीं होना है। तो दोस्तों ये थी टीम रिजवान अंसारी की तरफ से अपडेट्स। दोस्तों देखिए यहाँ पर पूरा मामला आकर फंस रहा है कि आप 60-65 किस आधार पर, दोस्तों 7 जनवरी को जो दोस्तों 7वां आदेश आया था वो किस आधार पर सही है ये प्रूफ करना है 60-65 की टीम को। तो दोस्तों हमने आपको पहले बताया था कि भाई यहाँ पर सिर्फ 2 मामले हो सकते हैं, या तो 68,500 की ये पार्ट 2 नहीं है शिक्षक भर्ती, ये प्रूफ कर ले 60-65 की टीम, सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यही रहेगी, तो यही से 60-65 जीत जाएगा। लेकिन दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं अभी आपकी सेफ जोन को लेकर, कि अगर मान लेते हैं ये शिक्षक भर्ती 40-45 कट ऑफ पर होती है तो क्या होगा, 90 से कम नंबर है तो कैसे मिलेगी नौकरी, इसको भी समझेंगे। देखिए दोस्तों बात क्या है कि अगर दोस्तों 90 से कम मतलब आपके 89 और 96 नंबर तक आ रहे हैं यूपी टेट तो आप पास होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल बात ये सुपर टेट की हो रही है दोस्तों सिर्फ, ठीक है दोस्तों। अगर सुपर टेट में आप इतने अंक पाते हैं तो पहली बात दोस्तों आपके जो जनरल कैटेगरी होगी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इसके लिए होगा, ये तो सबसे मुश्किल होगा। ओबीसी के लिए दोस्तों राह आसान होगी, एससी के लिए राह आसान है, एसटी के लिए राह आसान होगी। देखिए दोस्तों एससी एसटी में दोस्तों अगर आप 60+ गुणांक लाते हैं तो भी दोस्तों एक बार उम्मीद है कि 40-45 पर भी आपकी नौकरी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों 40-45 पर भी आपके चांस बनेंगे, और दोस्तों यहाँ पर भी 60+ अगर एसटी में भी आते हैं आपके तो भी 40-45 पर आपकी नौकरी बन सकती है। ओबीसी में 265 से अधिक गुणांक होंगे तो आपकी नौकरी की राह देखी जा सकती है, उम्मीद है कि आपको नौकरी मिल सकती है, उम्मीद है खाली दोस्तों। लेकिन दोस्तों जनरल में 70 से कम पर तो दोस्तों बात ही नहीं बनेगी। और दोस्तों मानती कि अगर किसी बच्चे के 89 नंबर है तो दोस्तों उसका एक आइडिया लगभग आपका 36, ये लगभग है दोस्तों, 36 अंक का गुणांक नहीं बनेगा लगभग है। उसके बाद दोस्तों आपने 30 अंक का गुणांक पहले मेंटेन कर रखा है एकेडमिक में तो 7 × 4 = 28 होता है, मतलब 70% आपने हर जगह बना रखे हैं, कहीं 80 हो गए तो आपके दोस्तों बनेंगे 66 अंक का गुणांक। देखिए दोस्तों जनरल कैटेगरी से 66 अंक के गुणांक पर नौकरी पाना ये रहा बहुत ही ज्यादा कठिन है,
इसमें दोस्तों मुश्किल रहेगा, लेकिन जनरल कैटेगरी से आते हैं दोस्तों तो आपके हो सकता है कि 96 नंबर तक भी बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों मतलब 96 का मतलब ये रहेगा कि आप लगभग 38 अंक के गुणांक के करीब आते हुए दिखाई देंगे। तो 38 और ये तो 68 हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों 68 अंक के गुणांक को नौकरी पाना पॉसिबल है यानी जनरल में, पहला सवाल तो ये। तो दोस्तों अगर कोई बच्चे ऐसे होते हैं शिक्षा मित्र, अगर ऐसा किया, क्योंकि देखिए शिक्षा मित्र जहाँ चाहेंगे, ठीक है, शिक्षा मित्र उनको वही नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों उनके पास भारांक जबरदस्त है। अगर वो कहेंगे कि हमको लखनऊ में नौकरी करनी है तो उनको लखनऊ में नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों मतलब कुछ ऐसे जिले होने वाले हैं जहां पर जनरल की सीटें खाली रहेंगी, खाली दोस्तों हम ये आपको बताना चाहते हैं। तो अगर आपने वहां से अप्लाई करते हैं 40-45 में रुपये, तो आपके एक बार उम्मीद बन सकती है। जी हाँ दोस्तों उम्मीद बन सकती है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो 40-45 पर भी दोस्तों उम्मीद है जनरल कैटेगरी में, लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कि दोस्तों बहुत कम उम्मीद है जनरल के बच्चों को होगा नहीं। तो दोस्तों वहां से आपके चांसेस बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सबसे पहले दोस्तों आप लोग कल की पूरी कोर्ट अपडेट देखिए कि कल शुरू कहाँ से हुआ, अंत कहाँ पर हुआ दोस्तों। उसके बाद आपको काफी ज्यादा चीजें और क्लियर होंगी कि जज साहब ने कैसे सुनवाई पूरी की। ठीक है, वीडियो को दोस्तों आपको अंत तक देखना है। तो दोस्तों जैसे ही आज आपका केस टेकअप हुआ था, तो सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, कालिया सर शुरू हो चुके थे, और दोस्तों कालिया सर डैशबोर्ड पर। जी हाँ दोस्तों आज आपकी शुरुआत कालिया सर ने की। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, पासिंग मार्क गाइडलाइंस के अनुरूप है, परीक्षा का परिणाम तो सरकारी आदेश के हिसाब से जारी हो जाना चाहिए था कालिया सर। जी हाँ दोस्तों कालिया सर बोल रहे कि जो आपका रिजल्ट है वो सरकारी आदेश के हिसाब से अब तक जारी हो जाना चाहिए। रूपरेखा और 7 जनवरी के जियो को डिफाइन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों जो आपका 7 जनवरी को जियो जारी किया गया था, मतलब आपका 60 और 65 का, ठीक है दोस्तों, तो उसको डिफाइन इतने समय किया जा रहा था। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की रूपरेखा और 7 जनवरी के जीओ को डिफाइन कर रहे हैं कि अपनी बात शुरू करते हुए 25 जुलाई और नियमावली पर बोलते हुए। जी हाँ दोस्तों उसके बाद क्या होता है, AITRE 2019 एंड इट्स गाइडलाइंस आर एक्सप्लेनिंग बाय कालिया सर। उसके बाद दोस्तों क्या होता है आपका कि आनंद कुमार का केस एवं रूपरेखा और 7 जनवरी के जीओ को डिफाइन कर रहे हैं, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कट ऑफ लगा सकती है। जी हाँ दोस्तों हर बार की तरह फिर से जैसे आपके एजी सर थे चंद्रा सर, आप कालिया सर भी यही कह रहे हैं कि सरकार जो है वो समय समय पर कट ऑफ को लगा सकती है। टेट में मिनिमम शब्द का मतलब 60% है, तो यहाँ उससे कम कैसे, ठीक है दोस्तों टेट गाइडलाइंस को समझाते हुए। तो दोस्तों फिलहाल अभी आपका जो यूपी टेट और सी टेट होता है उसमें टेट का मतलब मिनिमम परसेंट 60% नहीं है। अगर हम आरक्षित वर्गों को देखें तो वहां पर दोस्तों आपका 55 और 60 बनता है। जी हाँ दोस्तों आपके 82 और 90 नंबर की पासिंग मार्क होती है, 82 और 90। तो दोस्तों यहाँ 60 फिलहाल 90 होगा, लेकिन जनरल कैटेगरी के हिसाब से तो मिनिमम 90 ही है। अब 60-65 किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए नहीं है, एग्जाम में बैठने वाले सभी लोगों के लिए है, कालिया सर ऐसा बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों जो 60-65 कट ऑफ लगी है वो हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो BTC का हो, BEd का हो या शिक्षा मित्र हो। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, 90-97 के पक्ष की सभी टीमों के सीनियर अधिवक्ताओं का पूरा पैनल कोर्ट रूम में है मौजूद। जी हाँ दोस्तों सभी जितने भी सीनियर एडवोकेट हैं, वकील हैं, सभी वहां पर मौजूद थे। फिर दोस्तों क्या होता है आपका, बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 द्वारा, ठीक है, अधिकार क्षेत्र को बताते हुए शिक्षक भर्ती हेतु न्यूनतम कट ऑफ रहेगा। जी हाँ दोस्तों उसके बाद फिर क्या होता है, 68,500 व 69,000 शिक्षक भर्ती का तुलनात्मक विवरण कोर्ट के सामने रखते हुए। देखिए दोस्तों हमने आपको पहले बताया था कि 68,500 शिक्षक भर्ती एक अहम रोल यहाँ पर अदा करेगी। जी हाँ दोस्तों 68,500 का एक बहुत बड़ा रोल है इस शिक्षक भर्ती में, तो दोस्तों वही बात हो रही है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, कालिया सर जिस परीक्षा का 60% आपके चयन में प्रभावित करेगा, उसके लिए ये कहना कि अगर पहले पता होता तो ज्यादा लाते, ऐसा कहीं होता है? तो दोस्तों ये कह रहे हैं वो बात कि अगर उन्हें पहले से बता दिया जाता या 60-65 पेपर के ठीक पहले जारी हो जाता दोस्तों कि 60-65 नंबर पासिंग मार्क है, तो क्या वो ऐसा हो सकता था? दोस्तों देखिए ये कहना बिल्कुल सही है कि अगर पहले भी पता चलता तो दोस्तों इतने नंबर लाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन दोस्तों पता होना चाहिए, एक साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है ये। उसके बाद दोस्तों कालिया सर क्या बोलते हैं, कालिया सर अभी तक कोई क्रॉस नहीं किया। जी हाँ दोस्तों इतने समय तक कालिया सर को किसी ने भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया था। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, सिंगल बेंच के जजमेंट में सिंगल जज ने ये भी कहा कि BEd इनवैलिड है, और ये भी कहा कि NCT गवर्निंग बॉडी है। जी हाँ दोस्तों वहां पर ये भी बोला गया कि जो आपके BEd के बच्चे वो इनवैलिड है और NCT गवर्निंग बॉडी है। उसके बाद दोस्तों शिक्षा मित्रों को 2 बार मौके मिले, ऐसा नहीं हुआ जो कि पिछले 68,500 में फेल हुए वो इसमें अपियर नहीं हुए, पूरी शिक्षा मित्र दोनों में।
ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं पहले से मालूम होता तो ज्यादा पढ़ते, उन्हें ये मालूम ना था क्या ज्यादा नंबर लाने पर गुणांक ज्यादा बनेगा। जी हाँ दोस्तों, या एक आप जो भी कहिए कि अगर उनको ये पता था कि अगर पासिंग मार्क ज्यादा है तो उस हिसाब से पढ़ते दोस्तों, लेकिन ये भी बात सही है कि अगर उनको पता होता कि हम ज्यादा नंबर लाएंगे तो ज्यादा नंबर बनेगा। फिर दोस्तों बात हो रही है कि फिर ये कैसा कुतर्क है कि पहले से मालूम ना था इसलिए हम नहीं पढ़ पाए और फेल हो गए। कालिया सर, अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है, आपका शिक्षा मित्र पहले से सोच कर बैठे हैं कम नंबर लेकर और भारांग जोड़कर नौकरी ले लेंगे, ये दोस्तों कालिया सर कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मित्रों को ये बात सच में, जो अगर आप एक शिक्षा मित्र हैं तो आपको ये बात तो पता होगी, कैसे भी हम पास हो जाएं हमें नौकरी तो लगनी है, क्योंकि 25 अंक का भारांक है दोस्तों जिसका अभी तक कोई तोड़ नहीं है। फिर दोस्तों क्या होता है, ऐसा नहीं है कि 50,000 और 50,000 दो भर्ती में शिक्षा मित्र अपीयर हुए हैं, जो शिक्षा मित्र वहां फेल हैं वो भी यहाँ एग्जाम दिए हैं, तब मिलकर कैसे पुनः एक बार आनंद कुमार यादव को समझाते हुए। जी हाँ दोस्तों, फिर क्या होता है, केस की जान है, की जान है या केस, कालिया सर बीएड के बारे में समझाते हुए यहाँ पर। अब दोस्तों कालिया सर सिंगल बेंच के ऑर्डर को समझा रहे हैं कि सिंगल बेंच का क्या ऑर्डर आया था और उसको डिफाइन कर रहे हैं। जस्टिस राजेश चौहान जी के 148 पेज के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए कालिया साहब ऑर्डर की खामियां जस्ट साहब को विस्तार से समझाते हुए। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके सिंगल बेंच को उनको ऑर्डर में खामियां लगी तो वो जस्ट साहब को समझा रहे हैं डबल बेंच के। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, 68,500 को पॉइंट पर प्रहार, उसका कटाव उसी भर्ती के लिए मान्य होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी हम एक वीडियो दोस्तों बना रखी है आपके दोनों विज्ञप्ति के लिए, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद, उसका लिंक दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज उसको देखिएगा तो समझेंगे दोनों की विज्ञप्ति में आके लिखा क्या है। पिछली भर्ती के कटाव के लिए 68,500 का जियो साहब कह रहा है कि यह पासिंग मार्क बस इसी परीक्षा के लिए होगा, यह पासिंग मार्क रिटर्न क्यों। जी हाँ दोस्तों, जब वहां पर साफ साफ उस जियो में लिखा था कि जो भी कुछ करना है भाई इसी में कर लो, इसके बाद हम नहीं कर सकते, तो फिर वैसे पिक्चर नहीं आती है, तो वही रिटर्न हो गया। उसके बाद दोस्तों कालिया सर न्यूनतम और अधिकतम पासिंग मार्क डिस्क्राइब कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कम और ज्यादा पासिंग मार्क क्या है उसको अच्छे से विस्तार किया जा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोस्तों बात हो रही थी कि टाइम टू टाइम मीन्स क्या होता है, एट एनी स्टेज मतलब परीक्षा के पहले और बाद में दोनों स्टेज पर लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कालिया सर कह रहे हैं कि जो पासिंग मार्क की बात हुई थी दोस्तों, टाइम टू टाइम सरकार के पास पावर है, वो परीक्षा के पहले भी लगाई जा सकती है और परीक्षा के बाद में भी। यहाँ पर दोस्तों ये एक नया वर्ड लाया, एट एनी स्टेज। फिर दोस्तों क्या होता है, भारत के राजपत्र के अनुसार बीएड भर्ती में शामिल किया गया। जी हाँ दोस्तों, भारत के राजपत्र के अनुसार, ठीक है, ऐसा कालिया सर कहते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, सबसे तगड़ा पॉइंट 68,500 में बीएड नहीं था, 69,000 में बीएड को भी शामिल कर दिया गया, तो दोनों शासनादेश एक ही कैसे हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 68,500 शिक्षक भर्ती में बीएड को इनवाइट नहीं किया गया था, मतलब दोस्तों उसमें सिर्फ बीटीसी बच्चे ही नौकरी पा सकते थे, तो दोस्तों दोनों शिक्षक भर्ती ये कैसे हुई इस बात पर डिस्कशन हो रहा है। उसके बाद दोस्तों गेम के स्टार्ट होने का रूल क्या है कि परीक्षा में उत्तीर्ण करना और उसको निर्धारित सरकार करेगी, ऐसा कालिया सर कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो गेम के स्टार्ट होने का रूल है, परीक्षा में उत्तीर्ण करना और उसको निर्धारित सरकार करेगी, ऐसा कालिया सर कहते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, फिर दोस्तों बात होती है कि टेट आपकी एक जनरल परीक्षा है, इसलिए उसका उत्तीर्णांक नियत या भर्ती परीक्षा है, ठीक है, इसलिए इसका नियत नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, बात हो रही थी कि जो आपका टेट का पासिंग मार्क है वो हमेशा 82 और 90 नंबर रहता है, क्योंकि दोस्तों वो आपका एक उत्तीर्णांक परीक्षा है, ठीक है दोस्तों, एक जनरल परीक्षा जो हर बार होती रहती है, लेकिन दोस्तों ये एक अलग से पेपर है, मतलब सुपर टेट नाम भी सुपर है। उसके बाद दोस्तों वेटेज भी मिलेगा, लेकिन कब, जब नियुक्ति के लिए बुलाया जाएगा जब पास करोगे एग्जाम। दोस्तों अब वेटेज की बात हो रही है शिक्षा मित्रों की, कि इनको वेटेज भी तब दिया जाएगा जब ये पास करेंगे एग्जाम, तब इनको वेटेज मिलेगा। देखिए फिर दोस्तों बात होती है, यूपी टेट पासिंग मार्क 55 और 60%, सुपर टेट 60 और 65%, सीधी बात, बड़ी परीक्षा बड़ी कटाव, ऐसा दोस्तों कालिया सर एक्सप्लेन कर रहे हैं वहां पर। 2019 का परिणाम अभी जारी होना बाकी है, बिना उत्तीर्णांक के कैसे जारी होगा कालिया सर। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपकी पासिंग मार्क नहीं होगी तो कैसे रिजल्ट जारी होगा। अब देखिए दोस्तों, बात हो रही रूल 14 का, सीधा सीधा उल्लंघन है, दो दो छूट, उम्र भारांक। जी हाँ दोस्तों, देखिए अब ये बात बोल रहे कालिया सर की रूल 14 का सीधा सीधा सा उल्लंघन है दोस्तों, कि एक परीक्षा में दो दो छूट कैसे दी जा सकती है। पहले तो दोस्तों उम्र को लेकर है, दूसरा भारांक को लेकर। उसके बाद दोस्तों के बाद भी अब पासिंग मार्क कम की मांग पूर्णतया अनुचित है, भर्ती में शिक्षा मित्र के अलावा अन्य सभी अभ्यर्थियों के हितों का योग
का हनन हो रहा है, ऐसा दोस्तों कालिया सर वहां पर कह रहे हैं। फिर दोस्तों बात होती है कि 2019 भर्ती परीक्षा का परिणाम वेबसाइट पर जारी होगा। परिणाम जारी करने के लिए उत्तीर्णांक चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए अब भाई जब तक आपके पास उत्तीर्णांक नहीं होगा तब तक कैसे आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। तो दोस्तों अभी तक का डिस्कशन इसी में चल रहा है कि भाई पूरा सब कुछ शिक्षा मित्र पर समझ लीजिए दोस्तों एक तरह से कहा जाए तो एक कड़ा प्रहार करते हुए कालिया सर, और दोस्तों उनके भारांक और उनकी जो उम्र में छूट, और दोस्तों जो बीएड का मैटर और 68,500। तो दोस्तों पूरा केस इन्हीं चार बिंदुओं पर यहाँ पर अभी घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों जानेंगे कि अब उसके बाद क्या हुआ। फिर दोस्तों क्या होता है कि सिंगल बेंच के ऑर्डर को तोड़ते हुए अपने कंपाइलेशन में, ठीक है। फिर दोस्तों 7 जनवरी के स्थापना देश को जारी करने वाले बिंदु पर आपकी क्या राय है, ऐसा पूछते हैं इरशाद सर से। जी हाँ दोस्तों, इरशाद सर कौन है, आपके जज हैं, ठीक है, ये जज साहब हैं। तो उनसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी मतलब क्या राय है जो 7 जनवरी को सरकार ने स्थापना देश जारी किया था। उसके बाद दोस्तों क्या होता है आपका 69,000। इस बार बार जजेस की काउंटर क्वेश्चनिंग यह स्पष्ट रूप से दर्शा रही कि वो बहस को रूल ऑफ द गेम पर खत्म करवाना चाहते हैं। हम प्रारंभ से कह रहे हैं मामला क्वालिटी का बाद में आता है, पहले रूल ऑफ द गेम की डॉक्ट्रिन आती है। तो दोस्तों डॉक्ट्रिन का मतलब होता है आपका सिद्धांत, ठीक है, रूल ऑफ द गेम की डॉक्ट्रिन आती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, रूल 14 का सीधा सीधा उल्लंघन है, दो दो छूट, ठीक है। उम्र और भारांक के बाद भी अब पासिंग मार्क कम करने की मांग पूर्णतया अनुचित है। भर्ती में शिक्षा मित्र के अलावा अन्य अभ्यर्थियों का के हितों का क्या होगा हनन, दोस्तों ऐसा कालिया सर कह रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि बात सिर्फ और सिर्फ बार बार घूम के शिक्षा मित्र वर्सेस बीएड आ रही है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जो बीएड को एंट्री की गई 68,500। तो दोस्तों ऐसे ही आपका पूरा खेल जो आज आपका चल रहा है कोर्ट केस में कैसे घुमाया जा रहा है दोस्तों आप लोग समझिए। पूरा आपका दोस्तों केस जो डिपेंड से आपको 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 की विज्ञप्ति और 69,000 शिक्षक भर्ती दोनों की विज्ञप्ति पर आधारित है पूरा खेल, ठीक है दोस्तों। तो बात वही गोल गोल घूम रही है। यहीं पर दोस्तों 15 मिनट का रेस्ट लेकर कालिया सर ने बहस को माथुर सर को सौंप दिया। जी हाँ दोस्तों, काफी देर से लगातार बोल रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने 15 मिनट का रेस्ट लिया। तो दोस्तों कालिया सर बैठ गए और माथुर सर यहाँ से आपके शुरू होते हैं। तो दोस्तों अब उनकी ताबड़तोड़ बहस शुरू होगी। तो दोस्तों आपने देखा कि आज जो आपके शिक्षक भर्ती की बहस चल रही है वो लगभग अंतिम पड़ाव पर दोस्तों अब धीरे धीरे ये पहुंचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सबका सबमिशन जैसे हो जाएगा तो दोस्तों आपका ऑर्डर रिजर्व हो जाता है उसी समय से। तो दोस्तों कुछ समय बाद आपका ऑर्डर जारी किया जाता है, और ऑर्डर जारी में दोस्तों आपको पता चल पाएगा कि आखिर किस कट ऑफ की फाइनल जीत हुई, 40-45 या 60-65। तो दोस्तों ये जो आपकी जंग चल रही है वो दोस्तों काफी लंबे समय से चल रही है, 40-45 और 60-65 को लेकर कि पासिंग मार्क क्या होना चाहिए। काफी समय से बच्चे परेशान हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों पासिंग मार्क अब कुछ भी हो लेकिन बात नौकरी की भी आकर फंसती है कि आपकी नौकरी कब तक लगेगी, ज्वाइनिंग कब तक आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपका मेन मैटर आपका यहाँ फंस रहा है आपका ज्वाइनिंग को लेकर। दोस्तों जैसे ही आपका पूरा केस क्लियर होगा उसके बाद ही दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो पाएगी। तो मतलब दोस्तों अभी आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तो दोस्तों जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। फिर दोस्तों माथुर साहब आनंद कुमार का ऑर्डर डिफाइन करते हुए, ठीक है दोस्तों अब आनंद कुमार का ऑर्डर डिफाइन हो रहा है। उसके बाद दोस्तों बात फिर से आपकी क्वालिटी एजुकेशन की वजह से ही इनका समायोजन निरस्त हुआ था, ऐसा माथुर जी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों को पता है कि आपका शिक्षा मित्रों को जो समायोजन निरस्त हुआ था कुछ साल पहले वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन को लेकर ही हुआ था। उसके बाद दोस्तों आपके माथुर सर एक बार फिर आनंद बनाम स्टेट पर प्रहार करते हुए कि सिर्फ वेटेज और उम्र छूट की बात ना की और ना ही कोई रिलैक्स की बात दोस्तों यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जज रूल ऑफ द गेम के धरातल सुनना चाह रहे हैं। कोई भी वकील अभी तक जज को फुल सेटिस्फाइड नहीं कर पाया है कि एग्जाम के बाद पासिंग मार्क क्यों। जी हाँ दोस्तों, ये 60 और 65 के बच्चों के लिए थोड़ी सी निराशा की बात है यहाँ पर कि अभी तक किसी भी वकील ने फुल सेटिस्फाइड नहीं किया जज साहब को कि आखिर जो 60 और 65 दोस्तों कट ऑफ लगाई गई वो एग्जाम के बाद पासिंग मार्क क्यों लगाई गई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है आपका माथुर सर नियमावली के रूल 2:1 को समझाते हुए, माथुर सर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन की बात समझा रहे हैं और आनंद कुमार केस को भी समझा रहे हैं। फिर दोस्तों क्या होता है कि सिंगल बेंच में विपक्ष ने 68,500, ठीक है, और 69,000 को एक साबित किया था। डबल बेंच में पक्ष उसे अलग साबित कर रहा है मातुल, ठीक है, मातुल साहब की जारी। फिर दोस्तों क्या होता है आपका मातुर सर शायद सोचे अंग्रेजी में भ्रम हो रहा है तो हिंदी में बात बता दिया जाए, ठीक है। अति लघुतरी प्रश्न था, 68,500 और
बहुविकल्पीय प्रश्न है, 69,000 शिक्षक भर्ती है। पूर्व महाधिवक्ता माथुर सर। तो दोस्तों कभी कभी होता है ना, इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो हिंदी में बताया जा रहा था। तो आपके माथुर साहब जा रही है, माथुर सर। तो दोस्तों वो भी अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं आप लोग का पूरा केस। तो दोस्तों देखिए, बात यही तक यहाँ पर आकर फंस रही कि अभी तक दोस्तों इस समय तक किसी ने भी अभी तक दोस्तों पूरी तरीके से ये जस्ट आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाए हैं कि आखिर एग्जाम के बाद पासिंग मार्क क्यों लगाया गया। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है। तो मेन बात दोस्तों आपका यही आकर फंस रहा है कि एग्जाम से पहले पासिंग मार्क लगाया जाता तो कोई दिक्कत ना होती। अगर दोस्तों ये बात सेटिस्फाई करने में मतलब जस्ट आपको कन्विंस कर लिया जाए कि नहीं सही है, एग्जाम के बाद पासिंग मार्क लगाया जा सकता है, तब तो सही है। अगर दोस्तों ऐसा नहीं होता फिर तो 40-45 की जीत भी संभव है यहाँ से दोस्तों। अब दोस्तों जानेंगे आगे क्या हुआ। अब दोस्तों आपके माथुर सर 22 अमेंडमेंट को समझाते हुए और कहा कि ये शिक्षा मित्र एक वही याचिका करता है जो 69,000 में भी आए हैं और 40-45 की मांग कर रहे हैं। ये 68,500 में भी 40-45 क्वालिफाइड नहीं कर पाए थे। जी हाँ दोस्तों, बात यही हो रही है कि इससे पहले 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी जिसमें अभी भी दोस्तों काफी सीटें खाली हैं, आप लोगों को पता होगा। तो वही बातें हो रही है। और दोस्तों बात हो रही है कि भारत के राजपत्र जून 2018 को समझाते हुए सर, उसके बाद दोस्तों पासिंग मार्क तय करना पूर्णतया नियोक्ता का अधिकार होता है, किस स्टेज पर तय करना है यह भी नियोक्ता ही तय करेगा, ऐसा माथुर सर कह रहे हैं। फिर दोस्तों क्या होता है उसके बाद आइए जानते हैं। उसके बाद दोस्तों माथुर साहब बोलते हैं कि एक बार आप परीक्षा तो पास करें, वेटेज तब दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वेटेज की बात हो रही थी कि वेटेज कब दिया जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए पहले आपको पेपर पास करना पड़ेगा। फिर दोस्तों क्या होता है, माथुर सर शिक्षा मित्र के भारांक को समझाते हुए कि कैसे ये 90-97 को प्रभावित कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के 90 और 97 को शिक्षा मित्रों का भारांक कैसे प्रभावित कर रहा है। तो दोस्तों जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। तो दोस्तों माथुर साहब ने एक अच्छा क्वेश्चन किया है, क्या क्या उन्होंने, अगर ये कट ऑफ या पासिंग मार्क 5 जनवरी को लग जाता तो सही था, अगर 7 जनवरी को लगा तो गलत, कैसे। तो दोस्तों देखिए, इसका आंसर हम खुद भी करना चाहेंगे। दोस्तों कभी कभी आपने कुछ कंपटीशन एग्जाम दिए होंगे, अगर कोई पेपर दोस्तों आपका 100 नंबर का होता है और उसमें दोस्तों पासिंग मार्क सिर्फ और सिर्फ मान लेते हैं 45 नंबर रखी गई है, ठीक है, पासिंग मार्क दोस्तों कुछ नहीं होता कभी कभी कंपटीशन में, लेकिन आप फिर भी आपको एक आइडिया दे रहे हैं, अगर 100 में से दोस्तों आपने 60 क्वेश्चन आते थे और 60 प्रश्न करके आए, ठीक है, बस इतने, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, आपके 60 नंबर है। उसके बाद दोस्तों एक बच्चा और है जो 100 में से 60 क्वेश्चन वो भी करके आता है, और दोस्तों इस बच्चे ने अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन किया था, इस बच्चे ने अटेम्प्ट 70 क्वेश्चन किया था जिसमें से इसका 60 क्वेश्चन सही होते हैं, और दूसरा बच्चा दोस्तों जो था 60 क्वेश्चन उसको सही तो हुए लेकिन उसे अटेम्प्ट 80 क्वेश्चन को किया। अब दोस्तों बताइए इस कंडीशन में किस बच्चे को नौकरी मिलेगी। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है, रियलिटी है ये। तो दोस्तों कभी कभी ये भी देखा जाता है कि किस बच्चे ने कितने कम क्वेश्चन को गलत किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मामला फंसता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम बात पासिंग मार्क को लेकर नहीं कर रहे हैं, अगर ये भी कभी कभी आ जाता कि 150 प्रश्नों में से किस बच्चे ने, मान लेते अगर किसी ने 100 क्वेश्चन सही किए हैं तो क्या उसने 150 में से 150 प्रश्न अटेम्प्ट किए थे, पहला सवाल। अगर उसने 140 प्रश्न ही अटेम्प्ट किए थे तो दोस्तों उसके सिर्फ 40 क्वेश्चन गलत है, बाकी 10 क्वेश्चन पर दोस्तों छोड़ दिया जाएगा, उसको नहीं गिना जाएगा। ऐसे पॉइंट कभी कभी आपको देखने को मिलेंगे जीवन में। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। फिर इसके बाद दोस्तों जानिए क्या हुआ कोर्ट की सुनवाई में। तो दोस्तों लास्ट में आपके सर क्या बोलते हैं कि विज्ञापन को पॉइंट करते हुए कि यह उत्तीर्णांक भी सिर्फ इसी भर्ती का है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इस समय आपकी कोर्ट उठ चुकी है और दोस्तों आज की सुनवाई यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों आपकी अगली तारीख जो मिली वो 1 अक्टूबर 2019 समय 2:15 से। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ी खबर आ रही है कि आज की कोर्ट की सुनवाई समाप्त हो चुकी है और आपकी अगली तारीख दोस्तों क्या है, 1 अक्टूबर 2019। तो दोस्तों चलिए अब 1 तारीख को फिर से लाइव होंगे। और दोस्तों देखिए, विज्ञापन को पॉइंट करते हुए कि यह उत्तीर्णांक सिर्फ इसी भर्ती का है, कहने का मतलब दोस्तों यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी दोस्तों पासिंग मार्क लगेगा या जो भी कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन थी वो सिर्फ और सिर्फ इसी भर्ती के लिए मान्य है। तो दोस्तों चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट आपकी शिक्षक भर्ती के लिए।